चारियार अफरीदी साहब। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। नमदहू नसल्ला रसूल करीम अम्माबाद फ़ौज़बिल्लामिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शाली सदरी वयस्सिरली अमरी वलुग़दतमिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली सदक़ल्लाहु अल-मौलाना अल-अज़ीम। कैबिनेट डिवीज़न डिमांड नंबर 7 एटॉमिक एनर्जी। डिप्टी स्पीकर साहब, आज की सो कॉल्ड महज़ब दुनिया और ग्लोबल लेवल पे जब एटॉमिक एनर्जी की बात करते हैं तो हमें एक क्लासिक एग्जांपल बेल्जियम नजर आता है। डिप्टी स्पीकर साहब, आई नीड योर अटेंशन प्लीज। डिप्टी स्पीकर साहब, एटॉमिक एनर्जी में ग्लोबल एरेना में हमें अगर कोई क्लासिक एग्जांपल नजर आती है तो बेल्जियम की आती है। बेल्जियम एटॉमिक एनर्जी एक्सपोर्ट कर रहा है। एटॉमिक एनर्जी इज अ ब्लेसिंग। 1974 राजस्थान हिंदुस्तान और फिर 1998 पाकिस्तान, 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं पाकिस्तान में, चश्मा और कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। मेरा ये थर्ड टर्म है। आज तक हमें ये नहीं पता, ना इंफॉर्मेशन दी, ना कोई किसी लेवल पे एजुकेट किया गया, ना इस पे डिबेट हुई कि हम कितनी मेगावाट बिजली जनरेट करते हैं। नंबर वन। नंबर टू, न्यूक्लियर मेडिसिन। हमारे पास क्लासिक एग्जांपल इरनम हॉस्पिटल है, लेकिन पूरी कौम शौकत खानम हॉस्पिटल पे कैंसर के हवाले से डिपेंडेंट है। तो ये रियासत के अंदर ये खामोशी और वो जो मुतलका लोग हैं जिन पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसका क्या रिजल्ट है? थर्ड पॉइंट डिप्टी स्पीकर साहब, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स 25 साल के मुआहदे किए, डॉलर में पेमेंट कर दी है, चाहे वो प्रोड्यूस करें या ना करें, उसके हवाले से कोई आवाज उठाएगा, कोई पूछेगा। और फिर अभी ये फॉर्म 47 के जो बेनिफिशरी हैं, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक बात की। मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि गंदम पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा नहीं जा सकती, खैबर पख्तूनख्वा की एंट्री पॉइंट्स पे पंजाब में गंदम रोकी जाती है। अभी जानवरों के हवाले से दफा 144 लगाया गया ईद उल अज़हा के पहले। ये जो गैस और बिजली खैबर पख्तूनख्वा से प्रोड्यूस होके आती है, मैं सवाल ये पूछता हूं कि आप गंदम रोकते हो फेडरेटिंग यूनिट पे, अगर कल खैबर पख्तूनख्वा ये कहे कि बिजली और गैस पंजाब नहीं जाएगी तो खुदा ना खास्ता फिर क्या होगा? मैं आज रिकॉन्सिलिएशन के हवाले से ये बात करना चाह रहा हूं। आज यहां पे बैठे थे राणा सनाउल्ला साहब। राणा सनाउल्ला साहब ने अभी पिछले दिनों कहा यहां पर नीडल में ना वो के नीचे कुरान लेके आए थे, इन्होंने कहा आज तो मैं ऑपोजिशन में हूं ना, आज मुकदमे होने चाहिए और मेरे ऊपर डालें। मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं, इन्होंने यहां कहा मीडिया पे कि जनरल आपके मुल्क से सरमायाकार बाहर जा रहे हैं, आपके मुल्क के अंदर 12 ऑपरेशन हुए हैं।